मंडी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने पत्रकारों के साथ अनौपचारिक वार्ता के दौरान कहा कि प्रदेश सरकार पर जनता का भरोसा नहीं रहा है। प्रदेश सरकार पर जनता को गुमराह करने के आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि वे गलत बयानबाजी करके प्रदेश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उनका कहना है कि प्रदेश सरकार का एक वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है, लेकिन सरकार सामान्य कार्य ही नहीं कर रही है। कांग्रेस की चार्जशीट के बारे में जब पूर्व मुख्यमंत्री से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे चार्जशीट की कोई जानकारी नहीं है, वो कांग्रेस कमेटी ने सौंपी है। उन्होंने कहा कि पार्टी पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू का राज है। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव लड़ने पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए वीरभद्र सिंह ने कहा कि मेरा व्यक्तिगत विचार लोकसभा चुनाव लड़ने का नहीं है, फिर भी अगर हाईकमान चाहेगी तो वे इस पर विचार जरूर करेंगे। इसके साथ ही जब उनसे धर्मशाला में हुई मोदी की रैली और भाषण के बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ कह दिया कि उनके पास प्रधानमंत्री का भाषण सुनने की व्यवस्था नहीं थी और न ही उन्होंने सुना है। इस दौरान मंडी के सर्किट हाउस में उनके साथ कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। वो काम कर दिए उन्होंने जो पहले कभी नहीं हुए थे। क्या कहना है आपका इस पे? ये सही है कि इस सरकार को बन के एक साल हो गए हैं। ये कहना कि उन्होंने वो काम किए हैं जो पहले कभी नहीं हुए हैं, ये गलत बयानी है। सरकार चली है, स्थिर है, मगर उन्होंने इस एक साल के अंदर ऐसा कार्य नहीं किया या कार्य नहीं किए जिसके लिए उनकी पीठ को थप थपाया जा सके। सर आप तो 5 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या कमी रहेगा इसमें? 6 बार इसमें क्या कमी रहेगा इसमें, या क्या और बेहतर हो सकता था इस एक साल में? बेहतरी का तो हमेशा स्कोप होता है, मगर ये कहना कि हमने एक साल के अंदर वो काम कर दिखाया जो पिछली सरकारों ने जो है वो कार्यकाल में नहीं किया, ये निकोल बाजी है। सर चार्जशीट आपने दी है कल, उस पे क्या कहेंगे? क्या ऐसा बड़ा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने दी है, मैं पढ़ी भी नहीं है। सर भाजपा वाले उसमें कह रहे हैं कि जिन्होंने चार्जशीट दी है उनको आपसे सीखना चाहिए। क्या कि आप सामने नहीं आए चार्जशीट में, आपने कहीं भी जिक्र नहीं किया कि चार्जशीट देनी चाहिए। आपने चार्जशीट से दूरी बनाई, कुछ दूरी बनाई रखी आपने? नहीं, मुझे पता ही नहीं था कि चार्जशीट दी जा रही है। ये तो सुख का राज है कांग्रेस पार्टी के अंदर। सर आपके कैदावर नेता भी कह रहे हैं कि मंडी लोकसभा जो अगला चुनाव है उसके लिए आप ही सबसे सशक्त उम्मीदवार हैं। ये तो उनकी कृपा है, अगर ये ऐसा समझते हैं, मगर मैंने अभी तक चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं बनाया है। सर अगर पार्टी बोलती है तो आप लड़ेंगे चुनाव? सोचेंगे। सर पिछले कल सर धर्मशाला में मोदी जी ने आभार रैली में भी काफी कुछ खाया, क्या कहेंगे सर आप? मैं सुना क्या क्या बोला? I don't waste my time. आगामी लोकसभा I don't waste my time for eating nonsense. ठीक है, थैंक यू सर।